पंचायत के सिगदाडी गांव में स्थित गौ माता मंदिर में वार्षिक पूजन उत्सव का आयोजन किया गया। हर वर्ष राधा अष्टमी के अवसर पर यह वर्षीय पूजा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर AICC के सदस्य हरिमोहन मिश्रा उपस्थित रहे विशिष्ट अतिथि के तौर पर। गौ माता मंदिर की विधिवत पूजा का उपरांत यहां पर भंडोर का भी आयोजन किया गया। महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी भोग लगाई जाती है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खिचड़ी ग्रहण करते हैं। बता दें कि वर्ष 2017 में प्राकृतिक आपात के तहत ब्रिजपात से 31 मवेशियों का एक ही साथ एक ही जगह पर मौत हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2018 में हर साल राधा अष्टमी के मौके पर वार्षिक पूजा का आयोजन किया जाता है। वहीं हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि गौ माता के पूजन उत्सव को और विस्तृत किया जाने की जरूरत है। कहा कि आम जनों की सुविधाओं की यह थोड़ी कमी है, जिससे सभी के सहयोग से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मंदिर तक आने के लिए सड़क और यहां के समुचित पेयजल व्यवस्था के लिए एक बोरिंग लगाने का कार्य करेंगे। कहा कि अगले राधा अष्टमी से पहले सड़क और पेयजल समुचित व्यवस्था यहाँ पर कराई जाएगी। ये 2017 में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटा था। प्राकृतिक आपदा था, प्राकृतिक बिजली गिरने से सैकड़ों गाय की मृत्यु हो गई थी, जिस पर ये जो है यहाँ पर एक मंदिर बना है और राधा अष्टमी का दिन था। तो इसी राधा अष्टमी के दिन पर 2018 से भव्य आयोजन होता है, मेला का आयोजन और यहाँ पूजा पाठ का आयोजन, खिचड़ी महाप्रसाद का आयोजन, और इसी के क्रम में ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चलेगा। हमारी सरकार है, मैं सरकार से मांग करूंगा, पिछले साल भी मैं आया था कि हमारी मांग होगी कि इस आयोजन को भव्य रूप से किया जाए और भव्य रूप में बड़ा से बड़ा कार्यक्रम इसको किया जाए।